नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में सुबह स्कूल गई 5 वर्षीय मासूम बच्ची का बाग में शव बोरे में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी राजेश सिंह सहित बीन के एसडीएम एडीएम सहित फॉरेंसिक टीम घटनास्थल में मिली। बियर के कैन सहित एक बिस्तर को बरामद कर कब्जे में लेकर 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे यूपी को हरा भरा करने के मकसद से भले ही सरकार ने साल 2022 में लाखों वृक्षारोपण लगाने का जिला बिजनौर को टारगेट दिया हो, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी हाल ही में राज्य मंत्री की देखरेख में वन विभाग की जमीन में लाखों पेड़ लगा दिए गए हों, लेकिन वन विभाग के अफसरों की लापरवाही की वजह से ये पौधे सूखते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनौर के घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर बदलते समय आग लगने से रसोई में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग्रह स्वामी ने ग्रामीणों की मदद से आग पर किसी तरह से काबू पाया। किसी प्रकार की कोई जनहानि न होने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। आगरा में सिपाही का सर फोड़ गैंगस्टर को छुड़ा ले गए बदमाश। आरोपी पर 30 मुकदमे दर्ज है। पूरे शहर में नाकाबंदी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने दीवानी परिसर के अंदर सिपाही के सर पर ईंट मार दी और गैंगस्टर को छुड़ा लिया और फरार हो गए। पुलिस ने घायल सिपाही को इलाज के लिए भेजा है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। चमोली में देर रात भारी बारिश के चलते हिलंग उमर मोटर मार्ग पर बोल्डर आने से सड़क मार्ग बाधित हो गया, जिससे आवाजाही कर रहे ग्रामीण द्वारा खुद ही बड़े बड़े पत्थरों को हटाकर सड़क को खोल दिया गया। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग अवरुद्ध होने के बाद भी संबंधित विभाग की मशीनें नहीं पहुंची, जिससे कुछ वाहन चालकों और ग्रामीणों द्वारा ही खुद पत्थर हटाकर सड़क को खोलने की कोशिश की गई। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लक्सर तहसील प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ गया है और गंगा नदी पर नजर बनाए हुए है। उसी क्रम में लक्सर एसडीएम ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में बनाई गई बाढ़ राहत चौकियों का निरीक्षण और गंगा नदी क्षेत्र का भी भ्रमण किया है। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान बाढ़ राहत चौकियों में कर्मचारियों की तैनाती पाई गई और कोई भी अनुपस्थित नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गंगा नदी क्षेत्र का भी भ्रमण किया गया है, जिसमें गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी कम है और अभी गाँव और खेतों में किसी भी प्रकार का कोई जलभराव की स्थिति नहीं है और स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ए के कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी ने हरिद्वार शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिभावकों के साथ प्राइवेट स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं, अभिभावकों को फीस, ड्रेस, किताबों के नाम पर लूट रहे हैं। ये अभिभावकों के साथ लूट जिला हरिद्वार शिक्षा विभाग से हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही हरिद्वार शिक्षा विभाग के कार्यालय में ताला लगा नजर आएगा। मंगलवार रात में हुई बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो गया है। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ऊंटा धार के पास पहाड़ी से मलबा आने से 2 पोकलैंड मशीन इसके चपेट में आ गई, वो एक ढाबे को भी नुकसान हुआ। वहीं हाईवे के बंद होने से लोग दोनों छोर और वाहनों की लंबी लाइनें लगती हुई नजर आई। बारिश के चलते कर्णप्रयाग सुभाष नगर पैदल मार्ग भी बंद हो गया। कर्णप्रयाग नौटी मोटर मार्ग भी मलबाने से बंद हो गया। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लंगासू चौकी के पास बंद हुआ, जबकि रात को हुई बारिश से आईटीआई गेट के समीप कुछ घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग परेशान रहे। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। 14 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बैठक ली है, जिसमें जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल भी ब्रीफिंग में मौजूद रहे।
केदारनाथ से दर्शन कर वापस आ रहे तीर्थयात्रियों से भरी कार अनियंत्रित होकर कैडौला के पास गंगा में जा गिरी। सूचना मिलते ही जल पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल गंगा में समाई कार का कुछ पता नहीं चल पाया है। कार के अंदर मेरठ के 4 तीर्थयात्री बैठे थे, जिनकी पहचान 52 वर्षीय पंकज शर्मा, 40 वर्षीय दलवीर जैन, 25 वर्षीय नितिन और 19 वर्षीय हर्ष गुर्जर के रूप में हुई है। घटनास्थल के पास पुलिस को कार का स्क्रैप मिला है। बारिश की वजह से सड़कों के जगह जगह लगातार टूटने से पर्वतीय क्षेत्रों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें चाहे ग्रामीण इलाकों की हों या मुख्य राष्ट्रीय मार्ग हों, सड़कों के लगातार टूटकर अवरुद्ध होने से चारधाम तीर्थयात्री और आम राहगीर जगह जगह सड़कों पर फंसे हुए रहते हैं। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जनपद टिहरी पुलिस का इस बार मुख्य फोकस जहां ट्रैफिक पर है, तो वहीं प्रतिबंधित गंगा घाटों पर कांवड़ियों को जाने से रोकने पर भी बना हुआ है। इसलिए जल पुलिस के साथ एसडीआरएफ की 2 टीमें स्पेशल रूप से गंगा घाटों पर तैनात कर दी गई, जिससे कि कांवड़ियों को सुरक्षित गंगा घाटों पर स्नान के लिए भेजकर गंगा में होने वाले हादसों पर भी रोक लगाई जा सके। कांवड़ यात्रा के दौरान सब इंस्पेक्टर से लेकर सीओ तक को मोबाइल बंद होने की अवस्था में रेडियो सेट पर एक्टिव रहने के निर्देश एसएसपी नवनीत भुल्ला ने दिए हैं। चेतावनी दी है, ड्यूटी के दौरान कोई लापरवाही पकड़ी जाती है तो संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्ला ने ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास अब घर बनाने की सोची तो झील विकास प्राधिकरण द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जी हां, बिना नक्शा पास करे घर बनाना आपको महंगा पड़ सकता है। यहां बता दें कि प्राधिकरण की अनदेखी कर अभी तक लोग जैसे तैसे घर को बना रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास मौसम का मिजाज बिगड़ने से मूसलाधार बारिश का क्रम जारी है। यहां बता दें सुबह से ही आसमान साफ नजर आ रहा था, लेकिन शाम होते होते मौसम का मिजाज बिगड़ गया और तेज बारिश की बौछार पड़ने लगी। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। यहां बता दें कि जैसे ही मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी साबित होती जा रही है, मौसम विभाग ने नैनीताल समेत अन्य स्थानों में बारिश की संभावना व्यक्त की थी, जिसके चलते नैनीताल और उसके आसपास बारिश पड़नी शुरू हो गई और बारिश के साथ कोहरा छाया हुआ है, जिससे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब और मध्यम क्लास के लोगों का स्मार्टफोन खरीदना एक सपना होता है और वो सपना किसी न किसी तरीके से उनका पूरा होता है, तो उसके मोबाइल या तो राह चलते छीन लिए जाते हैं या फिर मोबाइल गुम हो जाते हैं। इसी को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमशुदा मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास करने के अधीनस्थों को निर्देश दिए, जिसके चलते अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन परवेज अली और प्रभारी एसडीओ जनपद उधम सिंह नगर कमलेश भट्ट के निर्देशन में प्रभारी एसडीओ काशीपुर अरविंद विश के नेतृत्व में गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी के लिए टीमों का गठन किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।